दोस्तों नमस्कार, आपका ए टू जेड न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही बड़ी बात करेंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में हम पूरा विवरण के साथ बात करेंगे। और लगभग जो अभी सूत्रों से हमारी खबर निकल के आ रही है, लगभग लगभग उसी सीट से नरेंद्र मोदी लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों भाइयों, आपसे निवेदन है कि जिस भाई ने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ आपसे निवेदन है, नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप दबा लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो पे आगे बात करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखिएगा। राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी, 3 दशक से रहा भाजपा का गढ़। जो अभी दोस्तों खबर निकल के आ रही है वो ये खबर निकल के है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने दोनों सीटों पे जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने का समय करीब समय बचा है और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव कई मायनों से अहम होने वाला है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का सीधा मुकाबला पूरे विपक्ष से है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट खड़ा है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सस्पेंस ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो क्या 2014 की तरह वो 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी, पिछले कुछ दिनों से इस सवाल पर खूब चर्चाएं हुई। बीजेपी की तरफ से अलग अलग सीटों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान का ही सभी को इंतजार है। खैर, आशंकाओं के बीच एक नई सीट का भी नाम सामने आया। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ गुजरात में राजकोट लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ सकते। इस बात की गुजरात चैनल ने भी दावा किया है। एक गुजराती चैनल न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव राजकोट से लड़ेंगे। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के गुजरात की सीट से लड़ने की पुष्टि नहीं की है। वर्तमान में राजकोट से बीजेपी के मोहन भाई कुंदरिया मौजूदा एमपी हैं। भाजपा का गढ़ रही है राजकोट सीट। आपको बता दें कि राजकोट पिछले 3 दशकों से भाजपा का गढ़ रहा है। इस समय सीमा में बीजेपी सिर्फ एक बार इस सीट से आ रही है, 2009 के आम चुनाव में उसे यह हार मिली थी। वह 2002 में नरेंद्र मोदी ने यहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2014 में 2 लोकसभा सीटों से लड़े थे पीएम मोदी। राजकोट के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अन्य कई राज्यों से भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल में बीजेपी के विधायक प्रदीप पुरोहित ने कहा कि पीएम मोदी ओडिशा की पूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी 90% संभावना है। इसके अलावा वाराणसी और अयोध्या से भी चुनाव लड़ने की बातें होती रही हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार सभी को है। बता दें 2014 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पे ही नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी जीत मिली थी। तो दोस्तों देखने वाला विषय होगा। अभी आधिकारिक रूप से बीजेपी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्रों से हमारी जो खबर निकल के आ रही है वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों और भी जो भी कोई न्यू अपडेट आएगी इस न्यूज़ को लेके, तो हम आपको सबसे पहले वीडियो बना के दे देंगे। तो दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है, जो हमारा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।